बात अंदर जिस बाजी क्या करना चाहोगे आज सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग पढ़ लो सुबह 3 बजे नहाने आते थे, अब यहाँ पे कोई नहाने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है, बुरा हाल है। कब से ये घाट बने हैं ना, तो है ही नहीं कुछ भी नहाने का, कोई जगह ही नहीं। मेरा ये बेनती है कि इसे ठीक करवा दो, मुझे और कैसा भी कैसा माहौल है यहाँ बैसाखी पे? अच्छा, हल्का ही माहौल है जी। तो पहले कैसे देखते थे, कैसा पहले बढ़िया बढ़ता था और अब नहीं बढ़ता है? तो लोग स्नान करते हैं नहीं करते? कोई कोई कर रहा, करता नहीं है। और आपकी दुकानदारी चल रही है या मंदी है? मंदी है जी, बहुत ज़्यादा। तो जो सोच के आए थे तो वैसा नहीं मिल रहा? ना ना, बढ़िया नहीं है। लकड़ी जगह नहीं मिलती थी, मेला बहुत दबा के पड़ता था, फुल भीड़ होती थी, तो हजारों की संख्या में। तो आज क्या स्थिति है? आज कुछ नहीं है, जीरो है, कोई आता ही नहीं, बहुत ज्यादा। आज की क्या हालात है सर? बहुत ज्यादा गंदगी है, बदबू बहुत है, जगह जगह कूड़ा पड़ा है। तो प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को यही कहेंगे जी, ये सुधार करो इसका। मैं तो वापस चला गया जी गंदगी देख। नाम क्या आपका जी? मेरा राजीव। नाम? और आज बैसाखी पे आए किस लिए आए? बच्चे को पानी पिलाने के लिए आया, प्रोग्राम है, खिलता है, मेरा नाम जी, तो इसको पानी पिलाने आया। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आज तो पूरे शहर में जलेबी भी नहीं मिली है, जो मेन चीज होती है प्रसाद के लिए। नहीं, जैसे पहले यहाँ बाजार सजते थे, मेला लगता था, तो कुछ भी नहीं है। तो किसकी कमी मानते हैं? बस ये जो आजकल चल रहा है, हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है। वो तो हर 2 दिन बन गए आजकल, कल भी था आज भी होगा। दिन से जो है सूर्य भगवान जो है 30 दिन के लिए मेष राशि पर प्रविष्ट हो गए और 30 दिन तक इस राशि पर भ्रमण करेंगे। इसका बहुत बड़ा महात्म्य है और वैशाख मास श्रेष्ठ मासों में मास माना गया है, इसलिए इस मास का महात्म्य स्नान और स्नान आदि का बहुत बड़ा महात्म्य।